रदरफोर्ड मॉडल के बाद जो बोर का मॉडल सक्सेसफुल हुआ, उसके सक्सेस के पीछे बोर सेकंड पोस्टुलेट था। रदरफोर्ड मॉडल ने स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाए रदरफोर्ड मॉडल, लेकिन बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से रिवॉल्व नहीं करेगा, अपनी मर्जी से कितनी भी रेडियस पर रिवॉल्व नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, एक ख़ास रेडियस पर रिवॉल्व करेगा, ऐसी रेडियस पर, उतनी रेडियस पर जिस रेडियस में घूमते हुए एम वी है मोमेंटम। मोमेंटम को जब आप रेडियस से डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है एंगुलर मोमेंटम, मतलब रेडियस पर डिपेंडेंसी है। ये उस रेडियस के सर्किल में, उस रेडियस के ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जहां एम वी आर इक्वल हो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई के इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। तो इस आर की वैल्यू को इलेक्ट्रॉन और एटम, पूरा का पूरा एटम इस तरह एडजस्ट कर लेते हैं कि एम वी आर एच अपॉन टू पाई के इक्वल हो, या एच अपॉन टू पाई के दो गुना हो, या एच अपॉन टू पाई के तीन गुना हो, या चार गुना हो। बस यही सबसे बड़ा डिफरेंस था रदरफोर्ड मॉडल और बोर मॉडल में। और बहुत सारी जो ऑब्जर्वेशंस रदरफोर्ड मॉडल नहीं डिस्क्राइब कर पा रहा था वो बोर मॉडल ने डिस्क्राइब कर दी, एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस और ये सब, वो सारी बातें, स्टेबिलिटी वगैरह। लेकिन जब बोर से पूछा गया कि ये ऐसा है क्यों, रीजन क्या है इसके पीछे, उन्होंने कहा रीजन तो कुछ भी नहीं है, मुझे पता नहीं जो भी होगा रीजन, लेकिन है ऐसा ही, हर एटम में है ऐसा ही कि एम वी आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई के इक्वल रहता है ऐसा ही, लेकिन क्यों है मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या मतलब, समझ नहीं आ रहा अभी। तो रदरफोर्ड के बाद में वो सारी चीजें हो गई और डुअल नेचर भी इस्टेब्लिश हो गया। बोर के बहुत बात की बात है कि जब डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस आई तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ने क्या कहा कि एक वेव है और जो वेव है वो अपने आप में एक पार्टिकल है, और अगर कोई पार्टिकल है तो फिर वो अपने आप में एक वेव भी है, चलता हुआ पार्टिकल है तो वो वेव भी है, भले उसकी वेव नेचर हम ऑब्जर्व कर पाए या ना कर पाए ये अलग बात है। डी ब्रॉगली ने तो कहा कि ऐसा होना चाहिए, और उन्होंने कहा कि अगर पार्टिकल, चलता हुआ पार्टिकल एक वेव की तरह बिहेव करने लगे तो उस वेव की वेवलेंथ कितनी होगी, एच अपॉन पी, वेवलेंथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एच अपॉन पी, पी क्या चीज है, मोमेंटम ऑफ मूविंग पार्टिकल, या एच अपॉन एम वी, ठीक है। अब डी ब्रॉगली ने तो केवल ये हिसाब लगा के बात बता दी, लेकिन उसके बाद दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम पहले भी आपको जिक्र किया था, जो इस साल के सिलेबस में कडिया, जर्मर एंड डेविसन। जर्मर और डेविसन ने अपने प्रैक्टिकली ये बात प्रूव कर दी कि चलता हुआ पार्टिकल एक वेव की तरह बिहेव करता है, प्रैक्टिकली इन्होंने प्रूव कर दिया। देखो जब तक कोई सोच है तब तक वो हम सोच ही रहती है, उसका जब तक कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं होता उसे लॉ के फॉर्म में एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता। जर्मन डेविसन ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने कहा कि वाकई में चलता हुआ पार्टिकल, एक्चुअल में उन्होंने इलेक्ट्रॉन बीम ली थी, इलेक्ट्रॉन जब चल रहे थे तो वो वेव की तरह बिहेव कर रहे थे, और वेव की तरह बिहेव करने का प्रूफ होता है इंटरफेरेंस अभी हम पढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि इंटरफेरेंस करते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसका मतलब पार्टिकल बिहेव कर रहा है किसके, किसकी तरह से, वेव की तरह से। तो फिर क्या इस्टेब्लिश हो गया, ड्यूअल नेचर ऑफ वेव एंड पार्टिकल। जर्मन डेविसन ने ये बात बता दी, प्लैंक ने और आइंस्टीन ने तो ये बात बताई थी कि एक अगर वेव है तो वो वेव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बिहेव करने लगती है, कैसी, बिहेव एज पार्टिकल, पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। और जर्मन डेविसन ने कहा कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो ये कैसे बिहेव करता है, एक वेव की तरह बिहेव करता है।
यहां तक की बात सही होगी? ठीक है, तो फिर अब वापस यही आए बोर कंसेप्ट पर। बोर का कंसेप्ट बहुत सारे फिनोमिनन्स को एक्सप्लेन कर पा रहा था, कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही थी। सोमरफील्ड इफेक्ट नहीं हो पा रहा था एक्सप्लेनेशन, वो तो बात अलग रही। लेकिन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए परफेक्ट है, एकदम बढ़िया परफेक्ट मॉडल है ये उस एटम के लिए जिसमें केवल केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि हाइड्रोजन आयन या हीलियम प्लस सिंगली आयनाइज्ड हीलियम आयन या डबली आयनाइज्ड लिथियम आयन। इनके लिए जो बोर मॉडल है, बोर मॉडल वो बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट खरा उतरता है। लेकिन जिसमें दो इलेक्ट्रॉन आ गए, जैसे हीलियम का एटम या कोई और एटम, तो उसके लिए कुछ चीजें नहीं हो पा रही थी एक्सप्लेनेशन। तो एनीवे, बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल उस रेडियस पर, उतनी रेडियस पर रिवॉल्व कर सकता है जहां इस रेडियस का वेलोसिटी और मास के साथ मल्टीप्लिकेशन यानी कि एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल हो जाए, h अपॉन 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल हो। n की वैल्यू यहाँ कितनी है, यहाँ n की वैल्यू है, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 1 है या 2 है या 3 है या so on। मतलब या तो एम वी आर इज इक्वल टू पूरा का पूरा ये प्रोडक्ट h अपॉन 2 पाई के इक्वल हो, या h अपॉन 2 पाई से एग्जैक्टली दुगना हो, या h अपॉन 2 पाई से एग्जैक्टली 3 गुना 4 गुना 5 गुना। क्यों हो ये बात बोर नहीं बता पाए। ये बात फिर डी ब्रॉगली ने कही कि बोर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। नहीं, बोर के तो बाद की बात है ये, उन्होंने कहा कि बोर ठीक कह रहे थे। क्यों है, कुछ पुरानी बातें याद कर लें। हमने वेव पढ़ी है, वेव दो तरह की वेव पढ़ी थी हमने। एक तो वेव पढ़ी थी प्रोग्रेसिव वेव, और एक वेव पढ़ी हमने स्टैंडिंग वेव। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि ये प्रोग्रेसिव वेव और स्टैंडिंग वेव क्या होती हैं सब। ये जो प्रोग्रेसिव वेव बनती हैं, ये बनती हैं ओपन मीडियम में, ओपन मीडियम में बनती हैं। और स्टैंडिंग वेव बनती हैं जिसे हम कहते हैं कन्फाइंड मीडियम, कन्फाइंड मीडियम बंधा हुआ मीडियम। मतलब दो दीवारों के बीच में एक रस्सी बांध लिया आपने यहाँ पर, तो इसमें स्टैंडिंग वेव बन जाएंगी, ऐसे वेव बन जाएंगी। ये एंटी नोड होगा, ये नोड होगा, एंटी नोड होगा, नोड होगा। क्यों बनती हैं, क्योंकि एक वेव इधर से चलती है और इसी का रिफ्लेक्शन दूसरी तरफ आ जाता है, दोनों का सुपर इम्पोजिशन होता है, दोनों एक दूसरे के साथ 180 डिग्री आउट ऑफ फेस है, 2 पाई आउट ऑफ फेस है, दोनों एक जैसी आइडेंटिकल है, सेम एम्पलीट्यूड है, ये है वो है, और दोनों मिलकर स्टैंडिंग वेव बन जाती है। तो स्टैंडिंग वेव बनती है कन्फाइंड मीडियम में, बंधे हुए मीडियम में। ये अपने साथ एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, कैरी करती है एनर्जी, दूर तक लेके चली जाती है ये, क्योंकि मीडियम से बाहर ही नहीं निकल रही है, तो इसलिए एनर्जी नहीं लेके जाती। थोड़ी सी और बात याद कर लेते हैं। कुछ कंडीशंस थी स्टैंडिंग वेव बनने के लिए। स्टैंडिंग वेव बनने के लिए कंडीशन क्या थी? कंडीशन है कि जो लेंथ आपकी, ये जो लेंथ है कन्फाइंड मीडियम की लेंथ है, लेंथ ऑफ कन्फाइंड मीडियम, इट शुड बी इक्वल टू, इट नॉट शुड, इट मस्ट बी इक्वल टू क्या, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेव लेंथ। वेव लेंथ की इंटीग्रल मल्टीपल होनी चाहिए। मतलब ये जो टोटल लेंथ है एल, ये टोटल लेंथ है एल, जैसे कि हमने कई कई जगह पढ़ा था, ये पढ़ा था स्ट्रिंग में भी पढ़ा था, और ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, है ना, कुछ हल्की हल्की सी याद ऐसी है ना, ऑर्गन पाइप था, खुला हुआ था, ऐसा था वैसा था। तो वही लेंथ ऑफ कन्फाइंड मीडियम शुड बी इक्वल टू इंटरनल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, यानी कि लेंथ, जो लेंथ ऑफ मीडियम है टोटल मीडियम की, वो एन लैम्डा के इक्वल होनी चाहिए। ये कंडीशन है, किसके लिए कंडीशन है, ये स्टैंडिंग वेव बनने के लिए कंडीशन है। अगर मान लो लैम्डा आपकी 4 मीटर है, तो ये पूरा 4 मीटर हो या 8 मीटर हो या 10 मीटर हो, तो इसके अंदर बन जाएगी आपकी वो स्टैंडिंग वेव। और अगर 4 मीटर आपकी वेव लेंथ है और ये है यहाँ से 5 मीटर का सवा गुना है, तो फिर स्टैंडिंग वेव नहीं बन पाएगी, क्योंकि सुपर पोजिशन पर नोड और एंटी नोड्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो डी ब्रॉगली ने यही कहा। डी ब्रॉगली ने कहा क्या, डी ब्रॉगली ने कहा कि एक
न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। देखो कहां से कहां बात निकल करके आती है कि उन्होंने कहा रदरफोर्ड ने कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और उस रिवॉल्यूशन पे फिर कुछ सवाल खड़े हो गए। अब जब सवाल खड़े हुए तो बाकी सब ने सोचा कि इनका कोई जवाब कैसे मिले, क्योंकि रदरफोर्ड ने जो बात कही थी ना अपनी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं राउंड द न्यूक्लियस, उसकी काट नहीं थी कोई भी। काट क्यों नहीं थी? क्योंकि वो अल्फा स्कैटरिंग शो कर रही थी इस बात को कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज छोटी सी जगह पे कंसंट्रेटेड है, बाकी सारी जगह खाली है, तो निगेटिव चार्ज कहाँ? निगेटिव चार्ज खाली जगह पे इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन कहाँ से? इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस किसने बता दिया? रजिस्टर थॉमसन ने। तो रदरफोर्ड की बात गलत नहीं थी, लेकिन उसकी उसमें कुछ अधूरापन था कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इसमें न्यूक्लियस में गिर क्यों नहीं जा रहा है? अपने अंदर से रेडिएशन निकालेगा, एनर्जी कम करेगा, गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा सारा काम। तो फिर दुनिया तो खत्म नहीं हो रही, यूनिवर्स तो खत्म नहीं हो रहा, क्यों है ये स्टेबल सारी चीज? बात नहीं बता पाए। उस स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर दिया कि उन्होंने बोर ने अपना पोस्टुलेट देके। बोर ने कहा कि ऐसा होता है ये, लेकिन क्यों होता मुझे समझ नहीं आ रहा। अब तो बोर की बात गलत नहीं, देखो ये प्रोग्रेस प्रोग्रेस है, दिस इज द प्रोग्रेस ऑफ लाइफ, यही सिविलाइजेशन का प्रोग्रेस है। क्या कि कोई नई चीज अगर सामने आती है, कोई न्यू कंसेप्ट अगर सामने आता है, न्यू कंसेप्ट सामने आता है, तो या तो इसको निग्लेक्ट कर दिया जाए, पूरी तरह से नकार दिया जाए, या फिर इसे एक्सेप्ट कर करके ये सोचा जाए कि ये कैसे हो रहा है, ये इन्होंने कैसे कर दिया है। और जब इस फिनोमिनन पे, इस प्रोसेस पर आते चले जाते हैं, तो यही सिविलाइजेशन का प्रोग्रेस है। आज जो हम ये दुनिया देख रहे हैं, ये इसी सवाल पे है कि भाई अरे यार नई बात बताई इसने, या तो उसे सिरे से खारिज कर दो, है पागल हो रहा है, ऐसा होता है कभी? या फिर सोचने लगो भाई यार ये कुछ कह रहा है, कुछ इसकी बात में सोचो तो सही क्या क्या कहा है इसने। तो जब उन्होंने कहा कि रदर, उन्होंने कहा एम वी आर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई, तो सबने कहा भाई यार ठीक है तुम्हारी बात सही तो है, मगर बताओ तो सही क्यों? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। अब डी ब्रोगली ने कहा कि देखिए बोर साहब, बोर का मॉडल बिल्कुल ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस पर रिवॉल्व कर रहा है और इलेक्ट्रॉन की स्पीड जबरदस्त है। कितनी निकाली थी हमने इलेक्ट्रॉन की स्पीड, याद कीजिए जो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकाली थी वो वी निकाली थी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड। अब भयानक स्पीड है, तो बहुत जबरदस्त स्पीड है, लाइट की स्पीड से 100 गुना कम है। अगर बस 100 गुनी यहां से हो जाए तो लाइट की स्पीड पहुंच जाएगी इसकी। तो उन्होंने कहा कि इतनी भयंकर स्पीड है और मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अपने इस ऑर्बिट में मूव करते टाइम पार्टिकल तो है ही, लेकिन वो वेव की तरह भी बिहेव कर रहा है, वो वेव की तरह भी बिहेव कर रहा है। मतलब बोर ने तो कहा कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से पार्टिकल, एक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन जो कि सर्कुलर ऑर्बिट पर रिवॉल्व कर रहा है। डी ब्रोगली ने कहा कि ये पार्टिकल है और मूव कर रहा है, तो फिर ये पार्टिकल भी है और जिस टाइम ये मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो ये वेव भी है, इसमें दोनों प्रॉपर्टी है, पार्टिकल भी है और ये वेव भी है। बात जर्मन डेविसन ने इस बात को साबित कर दिया था कि चलता हुआ पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन को ही प्रूव किया था एक्चुअली उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि ये पार्टिकल वेव की तरह बिहेव कर रहा है। अब वेव कौन सी वेव? अभी जैसे उपाध्याय साहब ने बताया कि वेव दो तरह की वेव होती है, एक तो स्टैंडिंग और एक तो प्रोग्रेसिव और एक स्टैंडिंग। और इन्होंने यही बात से शुरुआत करी थी कि स्टैंडिंग वेव जो है दे डू नॉट कैरी एनर्जी, ये अपने साथ एनर्जी लेके नहीं चलती, क्योंकि ये तो बंधी हुई मीडियम के बीच में, मीडियम के दो पॉइंट्स के बीच में बंधी हुई है, तो अपने साथ एनर्जी कैरी नहीं करती, एनर्जी लेके बाहर नहीं जाएगी कहीं भी है। तो बोर ने कहा था कि जब तक इलेक्ट्रॉन यहां रिवॉल्व कर रहा है अपने स्टेबल एनर्जी लेवल पर, तब तक ये एनर्जी का आदान प्रदान नहीं करेगा, एक्सचेंज नहीं करेगा, ना तो गेन करेगा और ना अपने अंदर से बाहर निकालेगा। ठीक है, बस यही बात उन्हें स्ट्राइक कर गई डी ब्रोगली को, कहने लगे ये वेव भी है और एनर्जी का कैरी नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो वेव बना रहा है वो कौन सी वेव बना रहा है? ये बना रहा है स्टैंडिंग वेव, क्योंकि ये एनर्जी कैरी नहीं कर रही अपने साथ में। सीधी बात यह है कि जब ये पार्टिकल है मूव कर रहा है तो इसमें वेव की तो प्रॉपर्टी है जरूर, वेव की तो प्रॉपर्टी है जरूर, जर्मन डेविसन ने
ये बात साबित कर दी। लेकिन बोर ने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से एनर्जी डेसिपेट नहीं कर रहा, यानी एनर्जी का आदान प्रदान नहीं हो रहा, कुछ भी एनर्जी कैरी नहीं कर रहा। तो बस उन्होंने कहा कि अब वेव है तो फिर कौन सी वेव है, स्टैंडिंग वेव है। इलेक्ट्रॉन एक्चुअली, हम इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन की तरह ना देखकर अगर वेव की तरह देखने लगे तो वेव ये ऐसे वेव बन रही है। अगर इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह ना देख करके एक वेव की तरह देखने लगे तो ये क्या बन रही है, एक वेव बन रही है ऐसी। मैं बिल्कुल सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर बना रहा हूं, हालांकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिनन्स हैं ये सारे, लेकिन वो कॉम्प्लिकेसी आपके सिलेबस में फिलहाल नहीं है, स्कोप के बाहर है। उन्होंने कहा कि देखो जी, अगर इस पार्टी इस इलेक्ट्रॉन को अगर आप इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल न देखो, इसको एक वेव की तरह देखो, तो ये बन रही है, कौन सी वेव बन रही है, ये एक स्टैंडिंग वेव बन रही है। स्टैंडिंग वेव क्यों बन रही है, सीधी बात है ना, एनर्जी का कैरी कर रही है, एनर्जी गेन नहीं कर रही, एनर्जी लॉस नहीं कर रही। इसमें जगह जगह क्या बने हुए हैं, एंटी नोड्स बने हुए हैं, जगह जगह क्या बने हुए, एंटी नोड्स बने हुए, जो फूला हुआ बीच का पार्ट है ये एंटी नोड है। और इसी तरह जगह जगह क्या बने हुए, जहां जहां बीच में ये जगह आ रही है, जहां डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, ये क्या बने हुए, ये नोड्स बने हुए, ये नोड्स और एंटी नोड बने हुए। इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है तो निश्चित रूप से वो वेव है, और क्योंकि वो वेव एनर्जी का ट्रांसफर नहीं कर रही तो कौन सी वेव है, ये स्टैंडिंग वेव है। स्टैंडिंग वेव में क्या बनते हैं, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड बन जाते हैं। और स्टैंडिंग वेव बनने के लिए, स्टैंडिंग वेव बनने के लिए आपके लिए क्या जरूरी है, स्टैंडिंग वेव बनने के लिए लेंथ ऑफ कन्फाइंड मीडियम इज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। ठीक है जी, तो यहां कितनी लेंथ है भाई, यहां कितनी लेंथ है, ये पूरा रास्ता अगर आप ले लोगे तो कितना रास्ता बन रहा है, ये रेडियस है आर। तो यहां लेंथ ऑफ मीडियम एक्चुअली क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट कितना होता है, 2πr होता है, इज इक्वल टू व्हाट, n लैम्डा। और उन्होंने कहा कि देखो भैया, जर्मन डेविसन ने प्रूव कर दिया, क्या प्रूव कर दिया है, कि चलता हुआ पार्टिकल एक वेव की तरह बिहेव करता है, और उस वेव की वेवलेंथ क्या होती है, h अपॉन p। h अपॉन p का मतलब मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। तो ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो कितना आसान हो गया, देखो बिल्कुल, लैम्डा की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, h अपॉन क्या, एम वी, एच अपॉन एम वी। देखना जरा ध्यान से, m और v को उठाकर मैं यहाँ ले जाऊं तो एम वी आर, और ये n, ये h, और ये अपॉन में क्या आ गया, लो भाई लो, बोर की वाली बात सिद्ध हो गई बिल्कुल, जो बोर ने कहा था कि इंटीग्रल एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई, वो तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा था, बस वो उसका एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा क्यों फॉलो करता है ये, उनको समझ नहीं आ रहा था, उनको स्ट्राइक नहीं करी ये बात। एक्चुअली बोर के टाइम में, बोर तो बहुत इनिशियल था, उस टाइम में तो स्टैंडिंग ये डुअल नेचर का कोई कंसेप्ट ही नहीं था, डुअल नेचर तो बहुत उनके बाद में, बहुत बाद में, 50 साल बाद में डेवलप हुआ है, 50 साल तो नहीं, कुछ कम में, लेकिन उन्हें बोर को पता ही नहीं था कि पार्टिकल जो है ये वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है। लेकिन जब दूसरे कंसेप्ट डेवलप हो गए, दोनों कंसेप्ट एक साथ मिला दिए, उन्होंने कहा कि बोर ने जो कहा था वो बिल्कुल सही कहा था, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। क्यों होता है इक्वल, ऐसे होता है क्योंकि पार्टिकल मूव कर रहा है, ये तो मूव करता हुआ पार्टिकल क्या है, वेव है, और जब ये वेव की तरह बिहेव कर रहा है और साथ में ये एनर्जी को कैरी नहीं कर रहा, एनर्जी बाहर नहीं दे रहा अपनी, यहां से एनर्जी जो भी इसकी एनर्जी है वो सब यही के यही बंधी हुई है, तो कौन सी वेव बन गई है, फिर ये बन गई निश्चित रूप से ये एक स्टैंडिंग वेव है। और स्टैंडिंग वेव बनने के लिए जो भी लेंथ है कन्फाइंड मीडियम की वो मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल होनी चाहिए वेव लेंथ के। तो यहाँ कौन कौन है मीडियम, कितनी लेंथ है मीडियम की, सर्कुलर पाथ का ऑर्बिट कितना होता है, 2πr सरकमफ्रेंस एन लैम्डा। और बोर फिर कहा कि डी ब्रॉगली के देखो जी, मैंने बताई थी आपको बात, क्या बताई थी, कि लैम्डा जो पार्टिकल वेवलेंथ ऑफ वेवलेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड विद पार्टिकल एच अपॉन पी, पी क्या चीज है, मोमेंटम, सब्स्टिट्यूट करा, एकदम निकल कर आ गई बात, बोर वाली बात, ये प्रूव हो गई मैथमेटिकली एक्सपेरिमेंटली। ठीक है,